असल नाजीन आप देख रहे हैं नसीम जहराठ पाकिस्तान कुछ अच्छी खबरें भी आज लगता है हम आपको बता सकते हैं अभी आप सुन रहे हैं कुछ देर से खबर आ रही है कि दूसरा राउंड जो डायलॉग का है हकूमत के और पी टी आई टी आई के, के दरमियान वो अख्तितम पजी हुआ है अगला राउंड होगा मंगल को और ये कहाँ बात जा रही है इससे क्या निकलेगा क्या ये जो बातचीत है इसके नतीजे में जो सड़क की सियासत झगड़े की सियासत उसको छोड़ के क्या हम चले जाएंगे इलेक्शन की तरफ और एक सही किस्म की सियासत उस पर बात करने से पहले ये बताते चले नाजीन के आज आई एस पी आर ने एक प्रेस रिलीज़ थी और वो उन्होंने इशारा किया उस बात की तरफ जो हमारे प्रोग्राम में हुई थी बात हुई थी जो आर्मी की प्रिपेयर्डनेस की लेकिन हम बात कश्मीर पॉलिसी पे करे थे इंडिया पे बहुत खुश हैं हम और बिल्कुल खुश आइन है कहते हैं हम जो जो प्रेस रिलीज आई जहाँ के ये कहा गया कि फौज की प्रिपेयर्डनेस पे किसी को शक नहीं होना चाहिए यकीनी तौर पे हम लोग जो के इस चीज़ पर काम कर रहे हैं सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं पिछली कुछ दिहाई से हमें हमेशा यकीन है कि पाकिस्तान की जो अफवाज है जो पाकिस्तान के फौजी हैं जो जवान हैं जो अफसर हैं वो निकलते हैं और अपनी जान पे खेल कर इस मुल्क की हिफाजत करते हैं और जहाँ हमें गलत लगे कुछ तो हम ज़रूर कहते हैं और हम हमेशा कहेंगे और जो वो प्रोग्राम था ना वो किसी ऑफ द रिकॉर्ड की ब्रीफिंग को ब्रेक कर रहा था वो दो साल पहले ब्रीफिंग हुई थी और उस पर मुतद्दद स्टोरीज भी आई वीलॉग्स भी हुई ये बातें बहुत मरतबा पहले हो चुकी थी और हमने प्रोग्राम में कहा था कि जो बात कही गई थी उस वक्त वो गलत थी क्योंकि पाकिस्तान की फौज ने बार बार ये दिखाया है कि जब उसको खतरा लाक होता है तो वो जिस भी हालात में होती है वो सरजमीन की हिफाजत करती है हम फिर कहेंगे कि कुछ बातें हैं जो कि खुलेआम नहीं होनी चाहिए कुछ बातें जो होती हैं प्रोफेशनल वो आप अंदर खाने करते हैं अगर मसाइलों उनको हल करने के लिए तो वी वेलकम आई एस पी प्रेस रिलीज और वी स्टैंड बाई वट वी सेड और हम ना कोई रूल ब्रेक करते हैं ना हम किसी भी सूरत पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के मुल्क पाकिस्तान के लोगों की किसी भी हवाले से आ, हिम्मत अफजाई में हम चाहते हैं कमियों हम चाहते हैं कि उसमें उसमें उसको बढ़ाया जाए उसमें यानी कि दैट शुड बी ऑलवेज ऑन द रज़ एंड ऑन द इंक्रीज तो ये कह के हम आगे चलते हैं हमारे साथ नाजरीन पाकिस्तान की मिनिस्टर राना सनाउल्ला साहब तशरीफ़ रखते हैं और इस वक्त जो आज डेवलपमेंट्स हुई हैं राना साहब जो हैं इसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा है इन्होंने जो सियासत इस वक्त चली है उसमें किस तरीके से जाएगी आगे बढ़ेगी किस रुख जाएगी He has been a key player. बहुत शुक्रिया राना साहब प्रोग्राम जी शुक्रिया जी। अच्छा राना साहब ये बताएं कि क्या हमारी बात दुरुस्त है कि ये खुशाइन डेवलपमेंट्स हुई है एक तरफ हम देख रहे थे सागडार साहब फरमा रहे थे कि जी ये बात बेहतरी की तरफ जाएगी और इनशाला मंगल तक नतीजा निकलेगा दूसरी तरफ ये शाह महमूद कुरेशी साहब भी कह रहे थे कि जी आ, मुस्बत आ, माहौल में अच्छी गुफ्तु हुई है तो ये क्या एक पॉजिटिव इंडिकेशन है राना साहब जी बिल्कुल पॉजिटिव इंडिकेशन है और इस मुल्क के जितने भी सियासी जो माँ या रहनुम हैं वो डायलाग के ऊपर यकीन रखते हैं मासवाय इमरान ख़ान साहब के और हमेशा इमरान ख़ान साहब ने डायलग ना करने अपने मुखालफन को फिक्सअप करने उनको गालियाँ देने उनको गालियाँ दिलवाने उनके साथ बैठने से पहले मर जाने की जो है वो बातें उन्होंने की हैं और आज भी सुबह उन्होंने इन मज़ाक के ऊपर एक मिज़ाइल फायर किया है और ऐसी गुफ्तु की है कि जिससे ये मजाक जो है ये मुतासर हो सकते हैं लेकिन अल्लाह ताली जो है वो इस मुल्क की सियासत को इमरान खान ख़ान्याजी की सोच से महफूज रखे और हमें जो है वो ये तोफ़ीक दे कि हम इस फितने को जो है वो है वो इस मुल्क की सियासत से वोट की ताकत से साथ जो है वो माइनस कर सकें तो ये मुजाकर तो इससे पहले भी फैटफ के हवाले से जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हमारे बड़े पॉजिटिव हुए हमारे दरमियान बातें तय पा गई लेकिन बाद में जब ये इजाज़त लेने के लिए गए तो क्योंकि उसके सामने किसी भी दूसरे रहनमा की कोई हैसियत ही नहीं है कोई औकात ही नहीं है तो उन्होंने उन्हें झाड़ के भेज दिया कि जी कोई चीज़ जो है वो काबिल कबूल नहीं है और वो मुजाकर जो है उस वक्त भी फिर ख़त्म हो गए अब ये दो दौर जो है वो बड़े पॉजिटिवली आगे बढ़े हैं और तीसरा दौर मंगल को जो कि उम्मीद है कि फैसला कौन होगा तो उसके ऊपर बैठ के ये जो माँ जो कायदीन हैं हमारे सीनियर लीडर हैं ये बात करेंगे तो इसमें बातें तो दो ही हैं पीटीआई कहती है कि चौदह मई को इलेक्शन होने चाहिए हम कहते हैं कि जी अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए पीटीआई कहती है कि जी ये अक्टूबर में भी नहीं करवाएंगे तो मेरा ख्याल है कि अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए उसकी जिस किस्म की गारंटी जो है वो पीटीआई चाहती है वो उसे दी जानी चाहिए उसे पूरी यकीन दहानी होनी चाहिए और जहाँ तक उनकी ज़िद है चौदह मई की तो चौदह मई को तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते चौदह मई को तो आप अगर मंगल के दिन इलेक्शन कमीशन से कहें कि जी चौदह मई को इलेक्शन करें तो वो नहीं करवा सकेगा उस दिन उनको पैसे भी दे दें सिक्योरिटी भी दे दें दे, फिर भी नहीं करवा सकेंगे तो इसलिए मामला बड़ा आसान और बड़ा वाजे है तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि पी टी आई के लोगों को जो है वो इमरान ख़ान साहब को समझाने की कोशिश करनी चाहिए जो कि उनके समझने के चांसेस तो बहुत कम है लेकिन बहरहाल फिर भी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है आप राणा साहब इतने मोतबर हो के बस आप बहुत ही मनफी बातें फरमा रहे हैं बहरहाल जो लीडर पी टी आई के आए वो इमरान खान साहब के कहें बगैर तो नहीं आ सकते लेकिन उसको छोड़ें अब तो देखते हैं आगे क्या होता है ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे कल हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के लीडर फ़ारूक नायक साहब ये फरमा रहे थे कि जून से तो पहले तहलील नहीं हो सकती क्योंकि बजट जून में आएगा तो ये एक ऐसी फीलिंग हुई कि जैसे जुलाई में तहलील करके और फिर शायद अगर अक्टूबर नहीं सितंबर में इलेक्शन हो तो इतनी तो लचक है हुकूमत में कि अगर जुलाई में मसन तहलील हो तो तीन महीने केयरटेकर और फिर इलेक्शन सितंबर में हो जाए या आप कह रहे हैं आप लोगों की अटल है अक्टूबर ही चले आप इसका हिसाब कर लें कि चौदह जो है वो मई की बजाय ये तहलील हो असम्बली कौमी असम्बली जी चौदह जुलाई को जी तो आप मुझे बताएं कि फिर डेट जो है वो नबे दिन में इलेक्शन होने हैं तो ये फिर चौदह अक्टूबर नहीं बनती जी हाँ यही, यही तो हम कह रहे हैं जी ये जी तो ऐसे खाम खाब इसमें ज़िद कर रहे हैं ये ठीक कि वो जो है वो एक अपनी यानी शर्मिंदगी को अपनी शिकस्त को अपनी नाकामी को अपने हमाकत को जो है वो रिड्रेस करने वाली बात कर रहे हैं क्योंकि जो इन्होंने इंतजामी तौर पे और सियासी तौर पे जो इन्होंने एक रवश अख्तियार की थी 25 मई से लेके आज तक उसमें इनको बुरी तरह से नाकामी हुई है अब कहाँ गई इनकी भड़कें कि जी हम आ रहे हैं हम आपको छुपने के लिए जगह नहीं देंगे हम हमला कर देंगे हम सील कर देंगे कैपिटल सिटी को हम किसी को हिलने नहीं देंगे इंसानों का समुंदर होगा एहतजाज होगा अब किधर है वो सारी चीज़ें को सब क्या? है। फा, क्या? तो अब बात अब आप, आप लोग तो ना कि बात सब लोग ये बातें मुझे ये बताइएगा कुछ एक ये भी सुनने में आया था कि इनकी चीफ जस्टिस की कोई पिंडी में मुलाकात हुई शायद आर्मी चीफ से मुबैया तौर पर तो इसकी आपको कोई खबर है जी ये खबर चली मुबैना तौर पे कोई मीटिंग हुई इस पर आप कुछ फरमाएंगे जी देखिए दो अदारों के सरबराहों की मीटिंग होना कोई मायूब या कोई आ, जो है वो कोई ऐसी अचंभे की बात तो नहीं है बेशक होनी चाहिए लेकिन इसकी इसकी कंफर्मेशन या इसकी नगेशन जो है वो तो दोनों आर्मी चीफ़ और चीफ जस्टिस साहब ही कर सकते हैं मैं और आप तो नहीं कर सकते जी आ, लेकिन ये मुझे ज़रूर कन्फर्म है कि एक ब्रीफिंग जो है वो हुई है और उस ब्रीफिंग में मेरी इतला के मुताबिक आर्मी के इंतहाई सीनियर लोग जो है वो वहाँ भी मौजूद थे अब उनकी जो है वो मैं ये तो नहीं अपना कह सकता कि कौन कौन लोग थे लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद डीजीआई तो थे वहाँ पे जी तो एक ब्रीफिंग जो है वो चीफ जस्टिस साहब और जो दीगर मज्ज़ जज साहबान है हैं उन सबको हुई है तो उस उस मुलाकात का या उस मीटिंग का तो मेरे मेरे इलम में है ये बात जी अच्छा रान साहब ये फरमाएगा कि ये जो ट्वीट्स आ रही हैं मुख्तलिफ उस पर तो लोगों को पकड़ लिया जाता है कि जी इस तरह की ट्वीट की तो पकड़ो और बंद कर दो मारो ये करो अब ये जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं खूब आ रही हैं ऑडियो लीक्स उसका रहना साहब आपकी एफ आई ए क्या उसमें दिलचस्पी नहीं रखती या उसमें वो अहलियत नहीं कि पता चले ये ऑडियो लीक्स कोई जिन भूत कौन कर रहा है जी रिलीज ये ऑडियो लीक्स नहीं ये जो ऑडियो लीक्स हैं ये इनके ऊपर इतराज तो यही है ना या शक ये है कि ये एजेंसीज़ करती हैं या वो टैप करती हैं या, या वीडियो बनाती हैं तो इस वजह से फिर उसको आगे बढ़ाया जाता है कि जी ये गवर्नमेंट कर रही है जी, और फिर इसको आगे जो है वो प्राइवेट कहते हैं जी गुफ्तु है ये प्रभात है तो इसलिए जो है वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है इस बात को बढ़ाया जाता है वरना आप मुझे बताएं कि किसी भी जुर्म के ख़िलाफ़ एविडेंस क्रिएट करना जो है ये तो हर ला अबाइडिंग सिटीज़न का जो है वो हक़ है, हक है पूरी दुनिया में जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें हैं वो तो बुनियादी उनकी ये है कि वो खुफिया जो है वो टैप भी करती हैं वो वीडियो भी बनाती हैं और जराइम के ख़िलाफ़ एविडेंस क्रिएट करती हैं ये जो क्रिकेट में मैच फिक्सिंग है इसके ऊपर जो है वो बहुत बड़ी बड़ी सहाफती तनजीमों जिनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है और बड़े बड़े सहाफ़ियों ने जो है वो ये काम किया किसी ने आज तक उसके ऊपर इतराज़ नहीं किया बल्कि ये जुर्म जो है ये तो ख़त्म ही इस वजह से हुआ है ये तहलका डॉट कॉम होती थी एक इंडिया जी, जी, की अभी बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने कैसे कैसे सियासतदानों के उन्होंने जो है वो वीडियो और ऑडियो उनकी उन्होंने बनाई और वो पैसे पकड़ते हुए सौदा करते हुए जो है वो पकड़े गए तो उससे उनकी सियासत में कितना नखार आया लोगों में खौफ आया तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ़ इस बात को हदफ तनकीद बना के तो ये कहा जाता है कि जी ये क्योंकि गवर्नमेंट कर रही है तो लिहाजा ये बड़ा गलत है वरना आप मुझे बताएँ कि अगर दो ख़वान हो या दो मर्द अगर वो एक जुर्म का इरतक कर रहे हैं एक प्लानिंग कर रहे हैं तो इसकी एविडेंस क्रिएट करना जो है ये तो हर किसी का हक है लेकिन अगर इसमें आप चाहते हैं कि ये पता हो पता लगे कि क्रिएट किसने किया है और किस तरह से हुआ है तो जिनके ख़िलाफ़ ये चीज़ हुई है वो उनके कंटेंट से जो है वो या तो इनकार करें तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी कि भई ये क्यों हुआ कैसे हुआ फैब्रिकेट हुआ या असल हुआ अब जिसकी ऑडियो लीक हुई है वो उसको मानते हैं कि हाँ हमने किया है लेकिन वो इस बात के पीछे छुपना चाहते हैं कि जी देखें जी ये हमारी प्राइवेट गुफ्तु थी ओ भाई आप एक जुर्म का इरतकाम कर रहे हैं या कर रही हैं तो ये आपकी प्राइवेट गुफ्तु कैसे हो गई तो, तो ये जी, चीज़ जी, जो है ये जी. मैं समझता हूँ कि अगर ये दोनों ख़वान या कोई भी और जो है वो आए सामने एफ़ आई ए ने आखिर इंक्वायरी इनिशिएट करनी है तो फिर उसमें दो चीज़ें करनी है एक तो वो इसकी फ्रेंसिक एविडेंस फ्रेंसिक ऑडिट करवाएगी कि ये दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त और दूसरा ये किसने किया है हम ये दोनों चीजें करने को तैयार हैं ये आए आगे तो नहीं राना साहब ये तो मसला नहीं है कि दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त ये समझ से बाहर है कि अगर एक हैं से खातून के जी हम तो कहते मार्शल लॉ लग जाए दूसरी कह रही कि जी ये बड़े लोग आए थे इमरान खान की सपोर्ट में ये सब तो ये जुर्म कैसे हो जाता है जी आपके घर की खातिन या मर्द या जुर्म ऐसे हो जाता है जी सुन लें ये जुर्म ऐसे हो जाता है मैं इसको एक अपनी मिसाल देता हूँ ताकि आपको आसानी से यह बात समझ आ जाए अगर मेरा कोई अजीज मेरा डियर नियर आदमी जो है जो मुझ के ऊपर असरअंदाज हो सकता है जिसके मतलक ये प्रज़्यूम किया जा सकता है वो मेरे ऊपर अंदाज हो सकता है अगर तो वो मेरे साथ वो मेरा भाई हो मेरा मेरी बेटी हो मेरा बेटा हो वाइफ हो अगर तो वो मुझसे पूछे कि जी क्या हाल चाल है ईद पे कब आएंगे, ईदी क्या देंगे बाकी मामला कैसे करेंगे तो ये तो होगी मेरी प्राइवेट गुफ्त तो आप देते नहीं वैसे लेकिन अगर वो मेरे हाँ नहीं वो बिल्कुल देते हैं देते हैं जी क्यों नहीं देते अच्छा या और कोई फैमिली मामला है कोई और प्राइवेट डिस्कशन है वो तो होगी प्राइवेट लेकिन अगर मेरा कोई भी दोस्त या मेरा कोई भी अजीज जो मेरे ऊपर असरअदाज हो सकता है वो मेरी सरकारी हैसीयत को डिस्कस करे और मुझे तरगीब दे कि मैं आपके ख़िलाफ़ कोई झूठा केस बनाऊँ या आपके ख़िलाफ़ कोई फैसला करूँ या आपको कोई नजायज़ फ़ायदा दूँ और उसके बाद वो फिर डींगे भी मारता फिर कि जी मैंने ये बात की है और मैंने ये बात समझाई है तो ये मेरी प्राइवेट गुफ्तु कैसे हो गई जी ये तो एक जुर्म का इरतका हुआ ये एक तरगीब हुई आप मुझे बताएँ कि आपके किसी अजीज के किसी ऐसी जगह पर अहदे पे जो है वो बराजमा होना जो है वो आपकी समाजी हैसीत जो है उसमें एक तब्दीली लाता है आपको उस समाजी हैसीत की जो है वो पाबंदी और उसका जो है वो एहसास करना चाहिए अगर एक खातून जो हैं वो इस मुल्क की अदलिया के सबसे बड़े बड़े, बड़े मनसब पे फायज़ आदमी के साथ शख्सियत के साथ उनका एक तलक है तो उन्हें इस हैसीत की जो है वो जो उनकी लिमिटेशन है उसका ख्याल रखना चाहिए लेकिन अगर वो कहें कि जी मैंने उसे ये कह दिया है कि तुम जो है वो देखो यहाँ पे लाखों लोग हैं पहली बात तो ये है कि ये झूठ दस पंद्रह हजार लोगों को उन्होंने लाखों लोग बना दिया फिर ये सारे तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे, रहे हैं ये ब, आ, मैं फिर अब, उसके बाद ये कहे कि सुन ले सुन ले ना आप सुन ले आप सुन ले और फिर उसे कहे कि पूरे मुल्क में जो है वो लाखों लोग हर जिला में इकट्ठे थे हालांकि किसी इलाके में सौ डेढ़ सौ से आदमी ज्यादा यानी उनकी गुफ्तु से ये वाज असर है कि वो उन्हें पी टी आई के हक में सो मोटो नोटिस लेने के लिए उनको तरगीब दे रही हैं उनको वर्गला रही हैं अपनी हैसीयत को इस्तेमाल करते हुए तो फिर आप मुझे बताएं कि ये प्राइवेट गुफ्तु किस तरह से हो गई जी फिर वो कह रहे हैं कि वो कम वक्त जो है वो मार्शा लगाने को तैयार नहीं है और वो उनकी एक अपनी हैसियत भी हो आप देखें ना वालदे जो हैं एक माँ जो है वो अपने बेटे के मतलब बात करे और दूसरा ये समझे ही ना कि इसका कोई असर नहीं होगा इसका तो बड़ा असर हो सकता है चले मिया तो ऐसी में, जी रहने आपने दिया। नहीं है जी, ये आप... एक जुर्म के इरतकाब के लिए जो है ये इनिशिएट करने और तरगीब देने वाली बात है इसके ऊपर बकायदा दर्ज होना चाहिए। चाहिए अच्छा जी, फिर करें और आप लोगों को करना बजाय कि तो, कौन किस घर में ये गुफ्तु नहीं हो रही और जो जिसके दिल में आ रहे जो जिसकी आ, सोच विचार है वो उसके मुताबिक कह रहे नहीं है बिल्कुल ओपिनियन नहीं थी नहीं सुन ले नहीं नहीं देखें ये आप इस तरह से जो है ना वो डंडी ना मारे ओपिनियन नहीं, नहीं, नहीं थी आप उन्होंने कहा मैंने है। सुन ले उन्होंने अपना व्यू नहीं दिया जी। नहीं सुन ले नहीं सुन लें ओपिनियन का आज नहीं उन्होंने किया उन्होंने कहा मैंने उम्र को ये कहा है तो वो वही उम्र है ना जी कोई ऑफिशियल एडवाइजर तो नहीं है वो नहीं सुन लेना सुन ले सुन उनके लिए तो वो एक इंतहाई इंतहाईतराम के दर्जे पर फायज हैं जी बिल्कुल इस बात की बड़ी कम्प्लिकेशन है देखे ना मैंने जिस तरह से आपको अपनी मिसाल दी है मुझे कोई तरगीब दे मेरा अजीज आपके खिलाफ और मैं आपका नुकसान कर दू आप उसे जो है वो हाथों हाथ लेंगे कि देखें जी ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है जी अच्छा राना साहब राना साहब ऑफ व्यू और आपका ख्याल है किसी की सास का फोन एजेंसीज या आप जो भी करें बाग आपका ख्याल है वो ठीक है हमें लगता है गलत है जब नवाज शरीफ साहब ऑपजिशन में थे जब आप लोग सब ऑपोजिशन में थे हम इसकी मजम्मत करते थे हम आज भी करते लेकिन आपका अपना व्यू है और ब्रेक हम लेते हैं नाजिन ब्रेक के बाद आएंगे राना सनावला साहब से बात करेंगे स्टे वे वेलकम बैक नाजीन हमारे साथ मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर राना सन्नावरा साहब तशरीफ रखते हैं राना साहब आज जब ख़त्म हुई है मुजात तो इन्होंने चौध, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी जो माहौल है उसको ठीक रखने की ज़रूरत है और आज आ, हमारे इकतीस लोगों को जिनके खिलाफ एफ आई आर नहीं था उन, उनको अरेस्ट कर लिया गया गाड़ियों से उतार के जब इमरान खान पहुँचे आज कोर्ट इस्लामाबाद में और फिर उन्होंने कहा जब हमने ये बात उठाई और ये बताया हमने कि एफ आई आर भी नहीं उनको उठा लिया है फिर उनको छोड़ दिया गया तो ये आ, वो कह रहे माहौल अगर आपने अच्छा बनाना है तो मुजात के उठाने की क्या जरूरत है लोगों को नहीं तो जो लोग जुर्म करेंगे उनको क्यों नहीं उठाएंगे वो लोग वहाँ पे जो कर रहे थे उसके वीडियो क्लिप्स जो है वो मौजूद हैं अगर आप तक नहीं पहुँच सके तो मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा वो लोग वहाँ पे वायलेंस कर रहे थे उन्होंने वहाँ पे पुलिस के साथ जो है वो दस दराजी भी की और वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल पैदा की जिसके ऊपर जो है वो उनको काबू किया गया वहाँ से और उनको अरेस्ट करके जो है वो थाने लाया गया और उनके ख़िलाफ़ बिल्कुल मुकदमा जो है वो दर्ज होना चाहिए था होने वाला था कि मेन टाइम वो मजाकती टीम आ, का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि जी हमारे मजाक में ये पॉइंट उठा है तो अगर उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज या उनकी गिरफ़्तारी जो है वो नहीं डाली गई तो इसको आप अलतवा में रखें तो उनकी इस जो है वो एडवाइस के ऊपर उनकी गिरफ़्तारी को फिर अल्तवा में डाला गया और उनके खिलाफ़ मुकदमा जो है वो फ़िलहाल दर्ज नहीं हुआ लेकिन ये कहना कि उन्होंने वहाँ पर किया कुछ नहीं ये बिल्कुल गलत है उन्होंने वहाँ पर कानून को हाथ में लिया इसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो उनको वहाँ से अरेस्ट किया गया था अच्छा तो ये आपने अच्छी बात बताई कि जब उन्होंने इंटरवीन किया आपकी जो मुखरती टीम है तो फिर आपने एज अ गुडविल जेस्टर आपने उनको छोड़ दिया जी बिल्कुल उनके उनके कहने पे जो है ये उनको जो है वो छोड़ा गया तो उसके बाद उन्होंने फिर आके बाहर इतराज कर दिया और उन्होंने कहा कि जी ये तो मुकराना को सबोताज करने वाली बात थी हालांकि ऐसा जो है वो बिल्कुल नहीं था वहाँ पे एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई थी जिसमें जो है वो उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया तो बहरहाल मुकरान की कामयाबी के लिए जो है वो हमने इस अमल को जो है वो किया और हमें उम्मीद है कि मुजाक जो है वो कामयाब होंगे जी इन रान साहब ये बात करते हैं बार बार के वो अली क्या गंडापुर की भी वो कहते हैं कि जी उनको आज हर जगह से अदालत ने उनको जमानत दी लेकिन उनको फिर भी उठा के ले गए शायद सिंध में तो उस पर आप क्या फरमाएंगे जी देखें जी जिनके खिलाफ जहाँ जहाँ पे मुकदमा दर्ज हैं उनमें से कोई मुकदमा भी ऐसा नहीं है कि जो उस तरह से फैब्रिकेट किया गया हो जिस तरह से हमारे खिलाफ किए जाते थे यानी हमारे खिलाफ कैपिटल पनिशमेंट सज़ाए मौत की दफात वाले मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए ताकि हमारी छः छः आठ आठ महीने साल साल जमानत ही ना हो तो वो इनके खिलाफ दर्ज करना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ अगर दर्ज कर लिया जाता तो लोग मान भी जाते कि हाँ वाकई इनसे जो है वो ये चीज़ें जो है ये बरामद हुई हैं तो हमने तो उन्होंने जो भी किसी जगह पर तकरीर की किसी जगह पर कोई बात की तो उसी के मकदम जो हैं वो इनके खिलाफ दर्ज दर्ज हुए हैं वाहे चाहे वो फवाद चौधरी हो चाहे सवाती साहब हों चाहे शहबाज़ गिल साहब हों और जिन चीज़ों के मकदम उनके खिलाफ दर्ज हुए हैं वो मामूली अफेंस थे लेकिन अफेंस जो वो ज़रूर थे और आज तक वो ख़ुद इस बात से इनकार नहीं करते कि हमने ये बात नहीं की या ये जज साहब को हमने धमकी नहीं दी खुद मानते हैं कि हमने ये किया है तो वो मकदम जो हैं वो जिनके खिलाफ उनके खिलाफ जो दर्ज हैं तो उनके ऊपर जो है वो उनको प्रोसिक्यूट जो है वो किया जा रहा है और मकदम क्योंकि वो अमूमी नवयत के हैं तो इसलिए उनमें जो है वो किसी को छः दिन बाद किसी को दस दिन बाद जो है वो ज़मानत मिल रही है अगर हम फैब्रिकेट करेंगे तो फिर इनकी भी छः छः माह आठ आठ माह ज़मानत नहीं होगी तो इसलिए इनका वो अमल जो ये अपोज़िशन के ख़िलाफ़ जो है ये करते रहे हैं इंतहाई यानी जो है वो घनौना इंतकाम जो है ये लेते रहे हैं उसको और इस चीज़ को जो है वो आप इसमें इनको जो है वो बराबर तो नहीं रख सकते ऑरेंज आ रहा है और एप्पल्स को जो है वो एप्पल्स को आप कन्फ्रंट करके जो है वो एक जैसा तो नहीं उनको जी कर जी सकते। काश ऑरेंज और एप्पल ही होते जी या तो एक दूसरे के खिलाफ इतनी सख्त और कानून से बाहर हट के और वो यानी टॉर्चर करना और ये सब करना ये तो यकीनी तौर पे कोई सियासी ना वर्कर ना सियासी लीडर चाहता है कि इस तरह किसी से को टॉर्चर नहीं किया गया जी तो स्वाति साहब वगैरह ये सब वगैरा टॉर्चर थे इन सब के साथ तो हुआ स्वाति साहब देखे सुन ले ना मेरी बात सुन मेरी मेरी बात सुन ले स्वाति साहब ने कहा कि जी मुझे टॉर्चर किया गया है हमने उन्हें कहा कि जी आपका मेडिकल हुआ है आपके एक मेडिकल बोर्ड ने आपका मुआयना किया है तो आपके ऊपर टॉर्चर तो साबित नहीं हो रहा लेकिन फिर भी आप दरखास्त दें तो हम उसकी इंक्वायरी करवाते हैं इनको तो ना टॉर्चर की को समझ है ना इनको ये पता है कि टॉर्चर क्या होता है ना इनको मुकदमात की को समझ है ये मामूली मामूली मुकदमा जो है ये दफा चौतालीस की खिलाफ वर्जी और टेलीविजन पर आके जो है वो एक जो है वो थ्रेटनिंग गुफ्तू करने ये इनके खिलाफ मुकदमा शहबाज गिलबाज गिल का तो अच्छा बला टॉर्चर हुआ मतलब उसकी हालत भी आपने भी देखी तो शहबाज गिल साहब ने कोई मेडिको लीगल करवाया नहीं सुन लेना शहबाज गिल साहब ने कोई मेडिकल करवाया शहबाज गिल साहब ने कोई अदालत में दरखास्त दी है कि मेरे ऊपर टॉर्चर हुआ है और इसकी जो है वो इंक्वायरी की जाए कोई कोई दरखास्त हाई, हाई कोर्ट में, में दी हो सेशन कोर्ट में दी हो जुडिशल में, जी नहीं कहा उन्होंने उन्होंने किसी जगह पे कोई दरखास्त नहीं दी किसी थाने में कोई दरखास्त नहीं दी तो ये तो अगर अगर सियासी तौर पर प्रापे करना है तो आप करते जाए उसमें तो कोई नहीं आपको पूछेगा जी ब्रेक लेते हैं अब ये और... आप देखें इमरान खान साहब जो रोज हमारे रहते हैं ये ज आपने तो कत्ल नहीं करवाया लेकिन कोई तो किसी ने तो अटेम्प्ट किया था ना इमरान साहब नहीं वो वो नहीं वो मुलम पकड़ा नहीं गया वो उस मुलजम ने अपना बयान नहीं दिया करे ना उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है उसको जो है वो करें ओपन बड़े ही अजब था वो आप भी जानते हैं। को को सर वो आप भी जानते हैं किस तरह से उसका वीडियो बना ऑडियो बना बहरहाल हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप ही के पास वापस आज हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक नाजीन हमारे सथ, Interior, साथ मिनिस्टर तो ऑफ इंटीरियर राना सना साहब तशरीफ रखते हैं राना साहब ये दिलचस्प बात है आपकी पार्टी में अमूमन ऐसे होता नहीं लेकिन हम देख रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़े दो टोक अल्फाज में कहा कि ये मुजात में से कुछ निकलेगा नहीं और ये तो होने ही नहीं चाहिए और मरीम नवाज साहब तो खैर पहले कह चुके हैं ये दहशत गर्द पार्टी है तो ये ख्वाजा आसिफ साहब नॉर्मली ऐसे बात करते तो नहीं है नहीं देखें ये पार्टी डिसीजन है और पार्टी डिसीजन के तहत मुजाक हो रहे हैं और ये जो कुलशन पार्टर्स पार्टी हेड्स की जो मीटिंग हुई है उसमें बाकायदा जो है ये फैसला हुआ है अक्सरीत की राय ये थी आ, हमारी जमात यानी पी एम एल एन की भी यही राय थी कि मुकर जो है वो उसका दरवाज़ा जो है वो बंद नहीं होना चाहिए और कैबिनेट में भी ये बात हुई है कैबिनेट में भी यही फैसला हुआ है अगर ज़ाती तौर पर मैं या कोई और मुतफिक नहीं है तो वो एक अलहदा बात है लेकिन ये पार्टी डिसीजन है ठीक अच्छा रान साहब ये अब बात पिछले दो रोज़ से अब चल पड़ी है कि ये मुमकिन है कि इनको असम्बलीज को प्रोविशल असम्बलीज को बहाल कर दिया जाए इस वजह से क्योंकि जो हकूमतें हैं केयरटेकर उनके तो मुद्दत कंप्लीट हो गई है और अगर बजट इधर देना है इसमें फेडरल गवर्नमेंट ने तो बजट तो प्रोविंशियल असेंबलीज ने भी देना है तो बहाल कर दी जाए जो असेंबलीज को तहलील किया गया है ये कोर्ट में भी केस चला गया चार मुख्तलिफ लोग लेके गए इंक्लूडिंग द स्पीकर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स तो क्या कहेंगे आप इस पर देखिए हमारी मुश्किल ये हैं कि कल कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट ने वीर अजम के ऊपर एतमाद का इजहार किया है और वन एटी मेंबर्स जबकि एतमाद के वोट के लिए वन सेवेंटी टू चाहिए थे वन एटी मेंबर्स ने कॉन्फिडेंस रिपोज किया है और उसके बाद हाउस की सेंस ये है कि ये हाउस ये पार्लियामेंट अपनी मियाद पूरी करेगी ठीक। जो कि तेरह अगस्त को हो रही है सिंध असम्बली जो है वो किसी तौर पर ऊपर वोट वक्त से पहले डिजॉल्व करने को तैयार नहीं है बेशक। बलूचिस्तान की पार्टीज़ ने साफ जवाब दे दिया है कि हम किसी कीमत पर जो है वो असम्बली मुद्दत से पहले जो है वो डिज़र्व नहीं करेंगे अब के पी के में इलेक्शन में जो है उसके उसके लिए ना नब्बे दिन लाजमी है ना उसके लिए जो है वो कोई और शर्त है के पी के में जो है वो इलेक्शन जो है वो आठ अक्टूबर को ही होने पा पा चुके हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा अब एक असम्बली का इलेक्शन आप क्यों चाहते हैं कि वो जो है वो चौदह मई को हो जाएँ तो ये हमारे लिए जो है वो काफ़ी मुश्किल है और इस मुश्किल को दूसरे फ्री को पीटीआई को जो है वो समझना चाहिए उन्हें जो ये खतरा है कि अक्टूबर में इलेक्शन नहीं हो उसकी गारंटी ले लें वो ठीक सुप्रीम तो... कोर्ट बीच में आ जाए सुप्रीम कोर्ट आके बीच में जो है ये मामला तय करवा दे लेकिन आप मुझे बताएं कि हम हमारे पास कौन सी अथॉरिटी है कि हम सिंध असम्बली को रिस्टोर को डिज़ोल्व करवा दें जी बलोचिस्तान को असम्बली को डिज़ोल्व करें वो पहले कह रहे हैं कि जी पंजाब हमेशा ज्यादाती करता है और अभी पंजाब जो है वो पहले इलेक्शन करवा के सब पंजाब तो वो पूरी है, तो जो को है वो पाकिस्तान का तीन सूबों को डिक्टेट करना चाहते हैं पंजाब असेंबली को रिस्टोर करने के लिए नहीं रिस्टोर देखें वो दरअसल चौधरी परिवेद लाई साहब जो है ना उन्होंने जो अब इस मर्तबा जो बने थे ना चीफ मिनिस्टर उन्होंने जो है वो जितनी करप्शन और जितना पैसा इकट्ठा किया है ना वो आपकी सोच हो सकती है और जहाज़ों में भर भर के ले गए स्पीन और बाहर ले गए वो वो चाहते हैं कि जी असम्बलियाँ बहाल हो जाए चाहे को मेरे दो महीने और लग जाए आपने जाने बाकी तो ये तजी किसी चोरी पर जी बिल्कुल ले गए हमें इतराफ है कि इस बारे में जो है वो ज़्यादा होशियार निकले हैं और पता नहीं चल सका ये बाद में पता चला वो मोहम्मद ख़ान जो है ना उसने सारा बताया कि कितने अरब रुपया इकट्ठा हुआ कैसे कैसे इकट्ठा हुआ यानी ये तो अभी तक तो फरा गोगी का रिकॉर्ड था ना जो फ्रंट मैन है इमरान ख़ान रियाजी साहब की तो जो अब मोहम्मद ख़ान भट्टी ने बताया उसने कहा जी ये तो दस फरा गोगी जितने पैसे हमने इकट्ठे किए हैं और बाद में जहाज़ भर भर के बाहर भेज दिए मोहम्मद खानी जो डालों की शॉर्टेज हुई है जो महंगाई हो रही है महंगाई हो रही है तो ये जो सारा कुछ है तो ये सारा इन्हीं लोगों का किया है ना जिन्होंने भर भर के डॉलर्स की बैर भेजी है और ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि जी देखें जी मुशी मौश, हालात जो है वो ठीक नहीं है महंगाई हो रही है जी मेरा ख्याल है जो है वो हमें इल्जाम भी दे रहे हैं और जिम्मेदार भी यही है आपकी कस्टडी में मोहम्मद खान भट्टी है फिर जब आप लोग किसी और कस्टडी में होते हैं वैसे ऐसे ही चलता है खेल लेकिन राणा साहब आपके हम बेहद मशकूर नहीं, नहीं ऐसे नहीं चलता अच्छा। ऐसे बिल्कुल नहीं चलता नहीं चलना नहीं चाहिए नहीं 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 ऐसे बिल्कुल चलता इस तरह से आप इन चीजों को जो है ना वो ना वो मार्जिनलाइज करें नहीं, हम कह रहे हैं जी बहुत ज्यादा गलत है बहुत गलत है नहीं होना चाहिए लेकिन बदकिस्मती से यही होता है किसी को पकड़ो उसे स्टेटमेंट ले आपको याद है आपके दौर में जब आप लोग ऑपोजिशन में थे कितनी नहीं तो आप मुझे नहीं सुन ले ना नहीं सुन ले किसी को पकड़ो स्टेटमेंट ले आपको नहीं पता कि मोहम्मद खान भट्टी क्या करता रहा वो कह तो रहा कहते बताया ना कोई आदमी मोहम्मद खान भट्टी जो है वो सेक्टी टू सी एम था बिल्कुल उसकी कम्पिटेंस है टू सी एम लगने की बिल्कुल और जो वो करता रहा है वो अब, वो किसको नहीं पता एक जज साहब के बेटे जो लाहौर में करते हैं किसी को नहीं किसको नहीं पता लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि जी हम खामोश मैसेज देते हैं उनको बैठा के बेंच में तो ये सारी चीजें जो है जब ये कनेक्ट तो सब होती आप हैं, लोगों के साथ हैं, किसी मामला ठीक तभी होंगे ना जब आप लोग जो है वो ये सहूलतकारी जो है ऐसा करने वाले लोगों की खत्म करेंगे तो सुबह अल्लाह ये तो सुबह अल्लाह सहूलतकारी हम पैसा कौन ले कौन जमा करे कुर्सी पे कौन चढ़े और सहूलतकारी हम करें चलें जी अब क्या करें अब आप हमारे बड़े हैं हम आपको कह सकते हैं भाई आप गलत फ़रमा रहे हैं बहुत शुक्रिया नाना साहब बड़ी मेहरबानी आने का नाजी नज़ी पर ख़त्म करते हैं खुदाफि पाकिस्तान जिंदाबाद